खबर सुहागपुर से। सुहागपुर आम आदमी पार्टी देगी इस्तीफा, कहा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति उदासीन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी से नाराज, कहा आम आदमी पार्टी स्थानीय कार्यकर्ताओं के प्रति जिम्मेदार नहीं। निरंतर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है लेकिन वह फोन भी नहीं उठा रहे। स्पष्ट है कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर संगठन तैयार किया, जहां भाजपा को हराने के लिए सभी भारतीय एकत्रित हुए। जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है या अन्य दल कमजोर है, वहां पर दूसरे दलों के प्रत्याशी नहीं उतारे जा रहे हैं, इससे सभी दल मिलकर बीजेपी को हरा सके। आप आम आदमी पार्टी से हैं, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्या प्रदर्शन कर रही है? बस केवल 129 सीटों की जानकारी है। जी जी जी, देखिए अभी आपको वो जानकारी, मुझे तो केवल 70 सीट की अभी जानकारी है। केवल पार्टी 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, ठीक है। अभी लास्ट तक पार्टी स्टेटमेंट देती रही कि हम पूरी 230 सीटों पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, पार्टी केवल 70 सीटों पर ही संतुष्ट है। अच्छा, आपने अभी जानकारी मिली कि आप पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, रीज़न? देखिए रीज़न तो बहुत सारे हैं, ठीक है। पार्टी की जो कार्यशैली है, आदरणीय संदीप पाठक जी ने जो टीम भेजी है दिल्ली से, ठीक है, उसकी जो कार्यशैली है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। ना ही कोई अपडेट, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें, अगर आप आज मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं पदाधिकारी हूँ, मैं वर्तमान में लोकसभा संयुक्त सचिव हूँ, अगर आप मुझे तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो मेरे कार्यकर्ताओं को कैसे देंगे आप, जनता को कैसे देंगे आप? मुझे लगता है ये चीज़ें समझनी चाहिए। मगर हमने ये भी देखा है कि नर्मदापुरम जिले में आम आदमी पार्टी में इतनी सक्रिय भी नहीं दिखाई दी। जी बिल्कुल, देखिए सक्रिय कैसी दिखाई दे, ठीक है, आपके ऊपर अनुशासन नहीं है पार्टी में। एक जो कार्यशैली है, कार्यशैली होनी चाहिए पार्टी में कि हमको किस रणनीति के तहत वर्क करना है। कोई भी युद्ध हो, बिना रणनीति के तहत नहीं जीता जा सकता है। और ये हमारी लड़ाई बहुत बड़ी पार्टियों से थी, भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों से हमारी लड़ाई थी, ठीक है। वर्तमान में भाजपा का शासन है, तो हमारी जो रणनीति है स्ट्रांग होनी चाहिए थी। अभी जैसे कि हमने ये भी देखा कि यहाँ पर सुहागपुर में आम आदमी में ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं थे, तो इस्तीफा कैसे, किस? बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने संघर्ष किया है। जब मैंने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी तो लगभग 250 लोगों के साथ मैंने सदस्यता ग्रहण की। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं काम की, तो पार्टी ने सदस्यता अभियान जो चलाया, पूरे सदस्यता अभियान में मैं पूरे मध्य प्रदेश टॉप 10 की अगर मैं बात करूं, तीसरे और चौथे स्थान पर आया। दो बार मैंने टॉप 10 में जगह बनाई। अगर बात करें हम केजरीवाल जी की गारंटी को घर घर पहुँचाने की, तो इस पर भी मैं पूरे मध्य प्रदेश अभी रिसेंट में नंबर 1 में आया। तो हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने हमारा 100% दिया है, लेकिन पार्टी ने अपना 100% नहीं दिया है, ये हम कह सकते हैं। आप किस पार्टी में जा रहे हैं और कितने लोग जाएंगे, कब जाएंगे? देखिए अभी चूंकि मैं किसान का बालक हूं और पहले भी मैं किसान हित की बात करता रहा हूं, और अभी आप देखिए माननीय कमलनाथ जी ने अभी जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें सारी जो बातें वो किसान हित में हैं, और मुझे किसान हित में काम करना है, तो किसान हित में काम करने के लिए मैं कांग्रेस की ओर जाऊँगा। कांग्रेस मेरे पास विकल्प है। कितने लोग ज्वाइन करें, कब ज्वाइन करें? देखिए लगभग मेरे 2500 साथी हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, बहुत जल्द हम कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहीं करेंगे या कहीं प्रदेश कार्यालय में आपको आमंत्रण आया, कहीं कोई पद मिल रहा है आपको, क्या है? देखिए पद जैसी कोई बात नहीं है, पद का मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, मैं केवल किसान हित में काम करना चाहता हूं और मैं इसलिए कांग्रेस में जा रहा हूं और बहुत जल्द हम ज्वाइन करेंगे। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।